लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। भारत, हम हमारे कॉलेज के दोस्त विजय कपूर के तीन बंदर हैं। एचपी लाल जो बुरा बोलता है, कुलजीत जो बुरा सुनता है, और दलबीर जो बुरा करता है। भारत, हाँ? मेरी बहन, मेरा मतलब आपकी भाभी रुक्मिणी का क्या हाल है? अच्छी हैं। और आपके बड़े भाई साहब जो मेरे जीजा जी हैं, घर में आने नहीं देते, बहन से मिलने नहीं देते। अच्छा करते हो। लो कर लो बा। मैं चला दफ्तर। अरे बस की लाइन को छोड़ो, मेरे साथ गाड़ी में चलो, मैं दफ्तर छोड़ दूंगा। बाबू, अरे गुड मॉर्निंग। आ गए साधुराम। आया आया, हड्डी में कबाब आया। आपकी खिदमत में आपका चपरासी साधुराम शवाब आया। टाइम क्या हुआ? ए, गुड मॉर्निंग। अरे एक मिनट साहब, आपसे बहुत नाराज है। क्या? हाँ, आप देर से आई हैं। मैंने नीचे रजिस्टर देख लिया था, भारत के अलावा कोई भी नहीं आया। तुम भी तो अभी आए हो। बड़ी स्मार्ट है। इसमें भी एक पॉइंट है। अरे पॉइंट तो हम तब जाने जब आपका जादू भारत पर चले। तो वो ही तो नहीं चलता। इसमें न जाने कौन सा पॉइंट है। इसमें पॉइंट ये है कि मोहब्बत की जिंदगी बड़ी मुश्किल आजमाइश है, लेकिन आजमा लेने के काबिल आजमाइश है। ट्राई ट्राई ट्राई। इसमें भी एक पॉइंट है। आ गई पूजा। मुझे लाजपत नगर से आना पड़ता है। भारत, मैं जानती हूँ तुम्हें किंग्सवे कैंप से आना पड़ता है, जो और भी दूर है। अरे साहब आ गए हैं, साथ में हेड क्लर्क मुखर्जी बाबू भी हैं। हाँ, जाओ सीट पे बैठो। गुड मॉर्निंग सर। हिंदी में बोलो। जय हिंद। दैट्स बेटर। जी साहब, काम हो गया? जी हाँ, कल का तो पूरा हो गया, लेकिन जो काम आपने कल शाम को दिया था उसे लंच तक पूरा कर दूंगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। यानी अब दफ्तर बाद में आते हैं और लंच का पहले सोचते हैं। साहब, लंच का तो वो सोचे जिसके पास खाने के लिए लंच हो, यानी कि खाना। मुझसे बहस करते हो एक मामूली क्लर्क होकर। I'm sorry। हिंदी में बोलो। जी। That's better। हाँ सुनो। जी। मैंने तुम्हारी खुफिया रिपोर्ट तैयार कर दी। जी। जो सीधे बड़े साहब के पास जाएगी, और फिर तुम नौकरी के लिए रोते रहना। लेकिन साहब, मेरा अपराध क्या है? अपराध अपराध, तुम्हारा अपराध ये है कि ना तुम मेरी जेब में आते हो ना कुछ आने देते। हाँ, ये तो वही बात हुई कि ना खाना ना खाने देना। मगर याद रखो, जब तक तुम मेरा विश्वास नहीं जीतोगे, तब तक ये फाइल, ये खुफिया रिपोर्ट मेरे पास रहेगी। और जिस दिन तुम मेरा विश्वास जीत लोगे, उस दिन से इस दफ्तर में तुम्हारी तरक्की पक्की हो जाएगी। समझे? यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। हिंदी में बोलो। जी। दैट्स बेटर। हाँ सुनो, कपूर एंड कंपनी की कोई फाइल आई है? जी हाँ, उन्होंने डिफेंस का कुछ सामान बनाने के लिए एक टेंडर भरा है। गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। तो एक काम करो। जी। उस फाइल को दबा दो। जी। हाँ, टेंडर बड़ा है, पार्टी बड़ी है, तो रकम भी तो बड़ी मिलनी चाहिए ना। मैं कुछ समझा नहीं। ओहो हो, जब तुम ये समझने लगोगे ना, तो अपने आप मेरा विश्वास जीत लोगे, समझे? और कुछ? हाँ एक बात और, कपूर एंड कंपनी का कोई आदमी आए जी, या कोई टेलीफोन आए जी, तो कह देना मैं दफ्तर में नहीं हूँ। आई अंडरस्टैंड इट सर। हिंदी में बोलो। मैं सब समझता हूँ साहब। दैट्स बेटर। सुनो,
ये जो हमारी आपस में बात हुई है ना, वो अपने तक ही रखना, वरना मुझे बार बार जताना पड़ेगा। क्या? कि तुम एक मामूली क्लर्क हो, क्लर्क। मैं क्लर्क हूँ, इस महीने के कोटे में चंद और घूंट। भैया पहली तारीख को ना ज्यादा दिन नहीं रह गए। हाँ पहली तारीख को सिर्फ 25 दिन रह गए। भैया जिस तरह हर महीने 25 दिन गुजरते हैं ना, इस महीने भी बीत जाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ भारत? जब तुम छोटे थे ना, तो मेरी पढ़ाई के साथ तुम्हें बलराम और तुलसी को पालने के लिए पिताजी ने खेत की जमीन गिरवी रख दी। उन्हें यकीन था मैं बड़ा होकर खूब कमाऊंगा और अपनी जमीन वापस ले लूंगा, लेकिन मैं एयरफोर्स में चला गया और जहाज उड़ाने लगा। जब 1962 में हम चीन का मुकाबला कर रहे थे, तो एक मनहूस रात मेरे जहाज पर बारूद की बरसात हो गई। मैं जानता हूं भैया, आप बुरी तरह घायल हुए थे। जब होश में आए तो आपकी एक टांग कट चुकी थी, चेहरा जल चुका था। सिर्फ चेहरा नहीं जल चुका था भारत, मेरा जीवन जल चुका था। तुम्हारा भाई नाकारा हो चुका था, बिल्कुल नाकारा हो चुका। नहीं, सरकार ने बहुत मदद की, नकली टांग लगाने के लिए कहा, चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के लिए कहा, मैंने इनकार कर दिया, इसलिए कि मेरा दिल बुझ चुका था। भैया जमीन क्या गिरवी रखी, हम सबका जीवन गिरवी पड़ गया। फौज से पिताजी की जो पेंशन आती है, वो जमीन पर लिए हुए कर्ज के सूद में चली जाती है। मेरी पेंशन और तेरी तनख्वाह क्या कर सकती है? बलराम और तुलसी की फीस दे सकती है, मकान का किराया, दूध का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, इसका बिल, उसका बिल। भैया जब बिल बड़े हो जाए ना, तो दिल छोटा नहीं करते। और फिर ये बलराम की पढ़ाई का आखिरी साल है, वो पास हो जाएगा
उसे नौकरी मिलेगी, हमारे दिन बदल जाएंगे। हाँ भारत, कभी कभी झूठी तसल्ली भी अच्छी लगती। भैया ये आज रुक्मिणी भाभी कहाँ है? रुक्मिणी, उसका इस दुनिया में सिर्फ एक भाई है, कुलजीत। कहकर गई है कि उसी के पास जा रही है, बाकी कहाँ जाती है वही जाने। भैया मैं अपनी रुक्मिणी भाभी को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं भी जानता था, लेकिन भारत, राम, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, तुम लोग जल्दी अंदर आओ रे। पिताजी? वही दिल की बीमारी। क्या हुआ? अचानक दर्द उठा सीने में। माँ, तूने मुझे आते क्यों नहीं बताया कि पिताजी की तबीयत इतनी खराब है? मैंने ही रोका था। क्यों? इसलिए कि तू बाहर से थका मंदा आया था। वैसे मैंने बलराम और तुलसी को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा है, वो आते ही होंगे। डॉक्टर नहीं आया। मगर क्यों? कहने लगा मैं मंदिर का पुजारी नहीं, जो दान और चढ़ावे के पैसे से प्रसाद बांटू। और मैं डॉक्टर हूँ, मुझे फीस चाहिए। धिक्कार है इसे डॉक्टर पर, इसे पेशे की नेकनामी और मरीज की जान से पहले पैसा चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं भैया, पिताजी के दिल का इलाज मेरे पास है, मैं आते हुए बेटी के सेल ले आया हूँ। और इस छोटे से टेप रिकॉर्डर में जो आजाद हिंद फौज का गीत है ना, वो बजेगा और उसे सुनते ही पिताजी के दिल का दर्द दूर हो जाएगा, पिताजी के अंदर का भारतीय सिपाही जाग जाएगा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। जय हिंद गीत गाए जा, जय हिंद गीत गाए जा। आजाद देश है तेरा, जय हिंद गीत गाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मौत से कभी न डर। तू आसमां से आगे बढ़, बढ़ के ये ही गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिताजी गीत बंद क्यों कर दिया? इसलिए बेटा, अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं खुद गाऊंगा और तुम मेरा साथ दोगे। चलो बलराम आओ आओ। सफर है ये, बड़े कठिन है रास्ते, मगर ये मुश्किलें हैं क्या सिपाहियों के वास्ते। बड़ा कठिन सफर है ये, बड़े कठिन है रास्ते, मगर ये मुश्किलें हैं क्या सिपाहियों के वास्ते। तू बिजलियों से खेल, आंधियों पे मुस्कुराए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। बिजलियों से खेल, आंधियों पे मुस्कुराए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। आजाद देश है तेरा, जय हिंद गीत गाए जा, जय हिंद गीत गाए जा, जय हिंद गीत गाए जा, जय हिंद गीत गाए जा।
जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बेटा सच बात तो यह है कि इस दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना पड़ता है। जब तुम्हारा ये नेता इस दुनिया से जय हिंद करके जाने लगे, तब उसे इस आजाद हिंद फौज की वर्दी में सजा कर ले जाना। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा नाम मेनका रखना चाहिए था, न मालूम क्या सूझी रुक्मणी रख दिया। क्या है ये सब? कहां से आई है ये शराब? कहां से आया है ये खाना? भैया इतना शोर किस लिए? भाई से मिलने गई थी। भाई फुट! भैया आज तो बोलो, पिताजी बीमार हैं। हर महीने शादी वाली रात की साड़ी पहनकर किसी भाई से मिलने जाती है और रात को देर से आती है। भाभी भाभी आखिर बात क्या है? कुछ नहीं देवर जी, थक गई हूँ, बदन चकनाचूर हो रहा है। देखा, बदन चकनाचूर हो रहा है, बदचलन। भैया भगवान के लिए मेरी भाभी को गाली मत दो। रात गए थक टूट कर आई है, इसकी आरती उतारूं, इसके पांव दबाऊं? भैया भारत जब भी ये यहाँ से जाती है ये सामान लेकर आती है, कौन देता है इसे ये पैसे? मेरा भाई इतना गया गुजरा भी नहीं कि 200-400 रुपए न दे सके। अच्छा भारत तुम बाहर जाओ, जाओ। भैया मैं जाता हूँ, मगर भगवान के लिए लड़ना नहीं भाभी, लड़ना नहीं। अब बोलो। जो पति अपनी पत्नी को मन की शांति और तन का सुख न दे सके, वो शक नहीं करेगा तो और क्या करेगा? और कुछ? कुछ नहीं। उठाओ ये सब। मुझे आपकी शराब न पीने का कोई दुख नहीं, मगर आपको भगवान की सौगंध, जरा सोच कर बताइए, भारत को कितनी मुद्दत हो गई है पेट भर खाना खाए हुए। भारत और पेट भर खाना? देवर का दिल दुखता है तो भाभी की आत्मा रोती है। आपको मेरी नहीं, आपके भाई भारत की कसम है, बुला लीजिए उसे, बुला लीजिए। रुक्मणी हार में पहले ही गया था, आज टूट भी गया। भारत पेट भर खाना खा ले, मैं तेरा लाया हुआ जहर भी पी लूंगा। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? जी अच्छा हूं, मगर आप कौन हैं? अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन बोल रही हूँ तो कुछ पल उस मैदान का सोचो जहाँ हर साल मूर्तियों की नुमाइश लगती थी। चुप 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 जनाब आप रहते हैं, चुप चुप जनाब आप रहते हैं। इस चुप्पी से क्या फायदा? चुप्पी चुप्पी में, हाँ चुप्पी चुप्पी में, मैंने किया इरादा चुप्पी चुप्पी में। मैं भी जानू है कौन सा वो इरादा। हो जीवन भर हम रहेंगे साथ, जीना मरना होगा साथ। रख 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 गीता पे हाथ, रख गीता पे गीता।
गर्दिश हो चाहे दुनिया सारी दुश्मन हो हर हाल में तेरे संग है चलना चाहे जंगल हो या गुलशन हो जीवन भर हम रहेंगे साथ जीना मरना होगा साथ रख 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 गीता मैं स्नेह हूं याद आया मैं अपने भूतकाल को अंधकार के कुएं में डुबो चुका हूं मेरा माजी मर चुका है मिस्टर कपूर यस मिसेस कपूर भारत ने टेलीफोन बंद कर दिया दोबारा लगाऊं उसकी कोई जरूरत नहीं क्यों बस बट डियर हस्बैंड हमारी टेंडर वाली एप्लीकेशन का क्या होगा हाँ व्हाट अबाउट आवर फाइल टेंडर वाली फाइल का भेजना डिपार्टमेंट में घुसने का एक बहाना है काम तो कुछ और है और फिर फाइल इसलिए भेजी ताकि पहचान बढ़े और एक फाइल बहुत सी फाइलें ले आए ओह लेकिन ये जानते हुए कि टेंडर वाली फाइल हमारी है भारत ने उसे दबा लिया तो भारत कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाला हमारा दोस्त और तुम्हारा पहला प्रेमी ऐसा नहीं करेगा क्यों भारत भूखा सोता है मगर कमबख्त टूटता नहीं वो अभी तक ईमानदार है और मेरा ईमान है कि मैं भारत को बेईमान बनाकर रहूं क्योंकि विजय हर बाजी जीतता है जैसे मैंने तुम्हें जीता तुमसे शादी करके हस्बैंड भारत बेईमान बनेगा कैसे उसे मैं बेईमान बनाऊंगी किसका फोन था जिसको सुनने के बाद तुम यहां से कहीं और पहुंच गए है? मैं नहीं तो पूजा ओ पूजा जी एदी केशो ऐ भारत के नहीं कहने में भी एक पॉइंट है और उस एक पॉइंट में जो पॉइंट है उससे भी एक पॉइंट निकलता है और जो पॉइंट निकलता है उसमें भी एक पॉइंट है मुखर्जी बाबू बोलो बोलो मुखर्जी कभी मुकरता नहीं हाँ। हाय लेकिन भारत मुकर गया बताता ही नहीं किसका फोन था
साहब का फोन था। साहब एक अनार सौ बीमार, नाम लूं तो किस किस का। हाय, यहाँ पर तो एक ही अनार है और एक ही बीमार। कौन, नाम कैसे लूं? तो फिर टाइप कर दो। उस नाम पर तो उंगलियां भी नहीं चलती। फिर गोली मार दो। जी क्यों? जिस पर कोई मरता हो वो भला उसे कैसे मार सकता है? कौन किस पे मरता है? अपनी भी एक प्रेम कहानी है, माय ओन लव स्टोरी। लव स्टोरी, प्रेम कहानी, इसका अंत, इसका अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है, ट्रेजिक होता है। एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन? कुछ सुनना नहीं चाहता। मगर तुम्हें ये बात सुननी ही पड़ेगी। क्या? कि दुनिया में एक बहन के सिवा मेरा और कोई नहीं है, और वो जिस लड़के के साथ प्यार करती है उसके साथ वो अमेरिका जाना चाहती है, और अमेरिका जाने के लिए रुपयों की जरूरत है। रुपया जो मेरे पास नहीं, रुपया जो तुम्हारे पास नहीं, रुपया जो विजय कपूर के पास है। सुनिए, विजय कपूर ने तराजू में एक तरफ मेरी मोहब्बत को रखा और एक तरफ बेईमानी से कमाई हुई दौलत को रखा। मेरा पलड़ा हल्का निकला। विजय कपूर जीत गया, और इसलिए तुमने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। यह कहकर तुमने मेरी मुश्किल और आसान कर दी। स्नेह, मेरी मोहब्बत की लाश पर जो तुमने विजय कपूर की दौलत का कफन चढ़ाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ? अगर जिंदगी में मिल गए फिर इत्तेफाक से, तो पूछेंगे अपना हाल तेरी बेबसी से हम। आप न जाने कौन सी दुनिया में खो गए। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था। सुनिए पूजा, तुम अपनी कुर्सी पे बैठो, जाओ। पूजा, तुमको आउट करने में भी एक पॉइंट है। मैडम, क्या आपने ऊपर आने के लिए नीचे से पास लिया? बड़े सख्त और ईमानदार लोग हैं, बड़ी मुश्किल से ये पास मिला है। लेकिन ये पास साहब से मिलने के लिए नहीं। जानती हूँ, भारत से मिलने के लिए है। ये भारत तो सिर्फ क्लर्क है। कहिए, क्या काम आन पड़ा इस क्लर्क से? किसी जमाने में हम एक साथ पढ़ा करते थे। काम क्या है? मैं पूछती हूँ, क्या तुम कॉलेज के वो दिन भूल गए? मैडम, ये दफ्तर है, दफ्तर। आज उस कॉलेज में ओल्ड स्टूडेंट्स का एनुअल फंक्शन है, आओगे? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं अपने भूतकाल को अंधकार के कुएं में डुबो चुका हूँ। मेरा माजी मर चुका है। मतलब कि मैं जाऊं? दफ्तर में सिर्फ दफ्तर की बात होती है। ठीक है, तो फिर बाहर की बात बाहर से। गुड डे। मुखर्जी बाबू, मैं ज्योतिषी तो नहीं, लेकिन हाँ फेस रीडिंग कर लेती हूँ, माथे की लकीरें गिनती हूँ, और माथे की लकीरें बता देती हैं कि दिल के घाव कितने गहरे हैं और कितने हैं। बस स्टॉप पर तुम अकेले? जी, बस आई, भरी, चली गई, मैं अकेला रह गया, दूसरी का इंतजार है।
दूसरी का? जी हाँ, दूसरी बस। बस? बस तक ही अटके रहोगे? इंसान को अपनी औकात तक रहना चाहिए। अरे ये चश्मा कब से लग गया? ये दफ्तर की सीढ़ियों पे मिला था, किसी कलर का होगा, पूछ के दे दूंगा। इस चश्मे से मैं कैसी लगती हूँ? कैसी लगी? मंदिर के बुझे हुए दीपक के धुएं समान। जी जी, धुआं। सुनो, लाओ मैं सुलगा देती हूँ। लो, सुलग गई। थैंक यू। मेंशन नॉट। इतनी बड़ी हस्ती और सस्ता सा लाइटर? ओ ये थ्रो अवे लाइटर है, एक बार इस्तेमाल किया फेंक दिया। यानी के आपकी आदत नहीं बदली? जी नहीं, बस यूं ही। भारत, तुम्हें याद है कॉलेज में तुम बहुत सिगरेट पिया करते थे और मैं उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपने हाथों में उठा लेती थी और फिर एक सिगरेट का टुकड़ा उठाकर अपने होठों से लगा लेती थी। फिर उसे सुलगाते वक्त मुझे ऐसा लगता था जैसे तुम्हारे होठों ने मेरे होठों को छू लिया। और आज जब मेरा सुलगाया हुआ सिगरेट तुम पी रहे हो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे तुम्हारे होठों ने मेरे होठों को छू लिया? सुने। अरे मेरी लिपस्टिक के निशान देखो भारत। क्या हुआ? मेरा सुलगाया हुआ सिगरेट मसलने में दुख हुआ ना? नहीं नहीं मैडम, इस चप्पल ने धोखा दे दिया। इसमें मोरी है, सिगरेट मसला, पाउन जला और मुंह से उफ निकल गई, वरना काहे का दुख। फटी हुई चप्पल, बुझी बुझी सूरत, भारत आज मैं उस पोजीशन में हूं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सच? भारत ने कभी हाथ नहीं फैलाया। मैं तो सिर्फ तुम्हें आज कॉलेज के फंक्शन में ले जाने के लिए आई थी, पुरानी स्टूडेंट्स का एनुअल फंक्शन। शुक्रिया, मुझे घर जाना, मैं चलूं। अरे सुनो तो। जी। हो सके तो फंक्शन में आ जाना। Never, never again। आप जा सकती हैं। Go, go away। मिसेस कपूर से बचकर कहाँ जाओगे? आया आया, हड्डी में कबाब आया, लेकिन आपकी खिदमत में साधु राम शबाब नहीं, साधु राम शराब आया, क्योंकि सूरज डल रहा है बाबू, वो देखो। अरे बाबू यार एक बात तो बताओ, आखिर ये फुलझड़ी है कौन? ये फुलझड़ी आपकी चिंगारियां बरसाने वाली है साधु राम। कितनी चिंगारियां फेंकी हैं उसने तुम पर, हाँ? कितना जलाया उसने तुम्हारा दिल। ए साधु राम यार छोड़, प्यास लगी है। अरे मर गए यार। अरे यार, अरे होमी, वो मेरी थम्स अप वाली शराब पी गया, तू जल्दी से मुझे कच्ची शराब ही दे दे यार, चल शाबाश। साधु राम यार सीना जल गया, खांसी आ रही, पानी से ठीक हो जाएगी। अरे बाबू जल गया, ये क्या हो गया मुझे, ये कैसी जलन। अरे यार ये तुम्हारी उसी फुलझड़ी की चिंगारियों की जलन है, जलन। हाँ, इसमें भी एक पॉइंट है। हाँ पॉइंट है यार, एक सिगरेट तो दे। सिगरेट? अरे यार मेरे पास तो बीड़ी है, ये ले।
ये ले, जला इसको, इसे जला दे इसे। चला घर चले ना, घर तो रोज जाते हैं, आज हम कॉलेज जाएंगे। कॉलेज श्री हिंदू कॉलेज। पूज्य प्रिंसिपल साहब, आदरणीय प्रोफेसर साहिबान और साथियों, स्वागत का धन्यवाद। जब मैं एक गरीब स्टूडेंट था तो मेरे मेरिट्स और गरीबी दोनों को देखकर मेरी फीस माफ कर दी गई थी। जब मैं यहाँ पढ़ता था तो अगर कोई मुझे खाना खिलाता तो मैं खा लेता, वरना पानी पीकर सो जाता। मेरा तस्वीरें बनाने और खींचने का शौक और इस कॉलेज में मेरी पढ़ाई और मेरी जिंदगी की हम सफर, मेरी मिसेज स्नेह का साथ मुझे जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे ले गया। और मैं बहुत पीछे रह गया। डियर स्टूडेंट्स, जब भी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट निकलते थे तो अखबारों में हमेशा भारत की तस्वीर छपती थी, क्योंकि वो फर्स्ट आता था और कॉलेज की शान बढ़ती थी। लेकिन जिन अखबारों में मेरी तस्वीरें छपती थी ना, वो दूसरे दिन रद्दी के भाव में बिक जाती। लेकिन प्रिंसिपल साहब, सच ये है कि मैं नहीं बिका। क्यों साधु? नहीं, बिल्कुल नहीं बिका, तो कोई और है। और प्रिंसिपल साहब, ये भी सच है कि इस कॉलेज में जिस लड़के की आंखें सबसे बुझी बुझी है ना, जिसकी कमीज, जिसके कपड़े सबसे फटीचर हैं, वो मेरा भाई बलराम है, बलराम। और एक लड़की जिसके चेहरे से मुस्कान रूठ चुकी है, वो मेरी बहन तुलसी है, तुलसी। बाबू बोल लेना मुझे साधु राम। प्रिंसिपल साहब, मुझे तनख्वाह थोड़ी मिलती है और इन दोनों की फीस बहुत ज्यादा है। मामूली सी बात है, इनकी फीस मैं अपने ट्रस्ट से दिलवा दूंगा। ट्रस्ट? अब मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं, किसी पे विश्वास नहीं। विश्वास है तो सिर्फ अपनी गरीबी पे। मैं दावे से कह सकता हूं कि जिंदगी भले साथ छोड़ दे, मगर मुझे मेरी गरीबी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। हाँ, इसमें भी एक पॉइंट है। ऊपर आओ भारत, और बरसों के बाद एक बार फिर छेड़ दो दिलों की सरगम। स्नेह, तुम कहो ना। मैं? हाँ प्लीज। भारत, मेरे कहने पे तुमने पहले भी बहुत से गीत सुनाए थे, हो जाए एक बार फिर? नेवर! नहीं, नहीं। तुम्हें मेरी सौगंध।
से जो मुलाकात हुई उस पर तो मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ, उस पर तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लिख सकता हूँ तुमसे जो बात हुई। हाँ उस एक मुलाकात पर मैं तुलसी के छंद गालिब के शेर समेट सकता हूँ, उस एक मुलाकात पर। मगर मैं मेरी कलम मेरी जुबान सब कुछ खामोश हो जाता है, शाम दे दो मेरे तपते हुए माथे को, जरा थाम लो मैं और मेरा माथा जो कब से जल रहा था, हालात की दी मेरे।
मिसेस कपूर। क्या हुआ मिस्टर कपूर? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ओह नो। मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। ओके। अरे ओ दौलत की भूखी, तड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक, देखी भारत की बर्बादी। वो आबादी कब था? टैक्सी टैक्सी, एक मुसाफिर को उतार कर दूसरे को बिठा लेती है, मीटर गिरा रखता है, टैक्सी चलती रहती है। मैडम, मिसेस कपूर को बुरा कहने वाली आप कौन होती हैं? जिसकी जिंदगी को इस नागर ने डस लिया है, उसकी भाभी, उसकी माँ। दरिंदे, तुमने मेरे भाई की खुशियां लूट ली। ये शरीफ लोगों की जबान नहीं है। शराफत ना होती तो मैं तुम्हें जिंदा न छोड़ता। मैं भी कीचड़ पर पत्थर फेंक सकता हूँ, लेकिन मुझे गंदे छींटों से सख्त नफरत है। आई हेट इट। इसीलिए उस गंदे तालाब के पास रहते हो जिसके पानी को काई लग चुकी है, जिसका पानी सड़ चुका है। पहले तुम अपने बारे में सोचो, अपने शोहर से पूछो कि तुम क्या हो और क्या करती हो। कम लेट्स गो। मैं दर दर भटका नौकरी की तलाश में, लेकिन नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिल जाती तो आज लोगों के ये ताने न सुनने पड़ते। कैसे ताने? वो ताने जो लोग तुम्हारे नाम से मुझे देते हैं। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना दिए। जी। आज सिने ताना दे गई, उस दिन सोदो ताना दे गई थी, जिसने बलराम की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम? हाँ मैं। बहुत दिनों बाद? हाँ, तुलसी को घर छोड़ा और फिर सीधा तुम्हारे पास चला आया। अरे आए हो तो आओ ना यार। सोनू, घर के हालात ही ऐसे हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। अरे हर सवाल का जवाब है टिच। ये टिच क्या होता है? टिच का मतलब टिच। बलराम, टिच एक ऐसा लफ्ज है जिसे जहां दिल में आए फिट कर दो। और सुनो बलराम। क्या? मेरे माँ बाप के मर जाने के बाद रिश्तेदारों ने कुछ अरसे बाद पानी तक पूछना छोड़ दिया। तुम्हारे घर वालों ने भी ठुकरा दिया मुझे। तुम भी कॉलेज में कुछ रूठे रूठे से रहने लगे, है ना? इसलिए मैंने भी कह दिया टिच। नहीं सोनू, नहीं, मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं। सबके हालात एक जैसे होते हैं बलराम, सवाल सिर्फ दो वक्त की रोटी का है। अपने पास तो एक वक्त की रोटी भी नहीं। इसीलिए तो कहती हूँ दौलत कमाओ, अमीर बनो। आज देखा नहीं तुमने कॉलेज के फंक्शन में किस तरह जय जयकार हो रही थी उस विजय और स्नेह कपूर की? स्नेह कपूर, नाम मत लो उस नागिन का। मैंने साधुराम से सब पता कर लिया है, भारत और उसके बॉस के बारे में। बॉस? यस, मिस्टर शर्मा। वो रोज शाम को मॉडर्न क्लब जाता है। कमाल हो गया है, इतनी देर से हम साथ बैठे बात कर रहे हैं लेकिन मैं आपसे पूछना भूल गया और आप मुझे बताना भूल गई। नाम? मेरा नाम है पीएम शर्मा। आई एम मिसेस कपूर। आई एम इन डिफेंस मिनिस्ट्री। फिर तो आपसे क्या हाथ मिलाना? क्यों, हमारी मिनिस्ट्री बुरी है? आपके मिनिस्ट्री के अगर मैं अच्छाइयां गिनने लगूं तो बरसों बीत जाएंगी। ओ, तो फिर क्या हम बुरे हैं? मिस्टर शर्मा। मिसेस कपूर। मेरे सैंडल कुछ ज्यादा ही नोकीले हैं, आपके जूते जख्मी हो जाएंगे बेचारे। जूते? ओह, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप पत्ते तो बाटिए। आप जोकर निकालिए। अजी बंदा हाजिर है। शट अप। मैडम, कोई ऐसा जोकर निकालिएगा जो हम पर मेहरबान हो। अभी लीजिए। छक्का? वो भी चिड़ी का? भाई अपने पत्तों में तो ना जोकर है और ना छक्का। मेरे पत्तों में तो बहुत से छक्के हैं, यानी कि जोकर, लेकिन
रियल सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा मैडम, ये तो बताइए कि पैकिंग के कितने पैसे होंगे? हाँ, जब मिसेस कपूर कोई गेम खेलती हैं तो नो पैक। अच्छा बड़ा मजा आएगा, चलिए खेलिए। लग गया। अरे वाह भाई वाह, क्या पत्ता है और क्या सही जगह लगाए हैं। सिर्फ लग नहीं गया बल्कि डिक्लेयर है। लीजिए फुल हैंड। मिसेस कपूर, हाँ बाबा, क्या बात है क्या बात है, मेरे आते ही आपने डिक्लेयर कर दिया गेम जीत गई। That's because you're lucky for me, darling. Mr. Kapoor, my husband, Mr. B.M. Sharma. My husband. जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। बहुत ही खिसी पिटी पुरानी बात है। खुशी तो हम तब मानेंगे जबकि ताल्लुकात और बढ़ जाएंगे। ताल्लुकात यानी relations. relations. Yeah, relations. That's very important. yes, of course. वैसे Mr. Kapoor, आप business क्या करते हैं? फिलहाल तो मिसेस कपूर और मिस्टर कपूर टेलीफोन ऑपरेटर्स बन गए। मजाक करते? नहीं, मजाक नहीं। मैं बता दूं बाबा, क्या कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने टेंडर खोले, हमने टेंडर्स भरे, लेकिन हमारी टेंडर्स की फाइल किसी बेमुरव्वत अफसर ने दबा दी। अब उसके घर फोन करो तो घर पे नहीं है, दफ्तर करो तो दफ्तर पर ठीक है। बहुत ही बेमुरव्वत अफसर है, B.M. शर्मा। क्या हुआ सर? जी कुछ नहीं, वो मिनिस्ट्री वाला शर्मा तो मैं ही हूँ जिनकी ये तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं B.M. बेमुरव्वत नहीं हूँ। Oh, I'm sorry. never mind. वैसे आपकी फाइल मैंने तो नहीं दबाई। तो फिर किसने दबाई? हाँ पत्ते बांटिए ना, पत्ते बांटिए। आप काटिए तो। जी हाँ, ये लीजिए। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ लिख, इस हाथ दे उस हाथ लिख, इस हाथ दे। क्या खूब गाया किसी ने, समझने वाली बात है। जी हाँ। तो इस जुमले के बारे में आपकी क्या विशेष टिप्पणी है, मेरा मतलब विचार? भाई ये तो बहुत पुरानी चीज है, ये तो अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताइए मिस्टर कपूर, वो आपकी दबी हुई जो फाइल है वो कितनी भारी है? कल जब हम आपके दफ्तर आएंगे और जो बैग हमारे हाथ में होगा तो उस बैग का वजन उस फाइल से ज्यादा 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 होगा। ओहो क्या बात कही है, क्या बात कही है भाई। अफसर हो तो ऐसा और बिजनेसमैन हो तो ऐसा, और इसे कहते हैं शराफत। हेलो भारत, कपूर एंड कंपनी की फाइल ले आओ। यस सर। हिंदी में बोलो। ये अभी लाया। दैट्स बेटर। कपूर एंड कंपनी की फाइल कहाँ गई? मिस्टर शर्मा जी, आपके लिए कुछ तोहफा लाए हम लोग। जी आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, वैसे गिनने की जरूरत नहीं ना। अरे नहीं ना। अच्छा एक बात बताइए मिस्टर शर्मा जी, आपके बॉस मिस्टर खान के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? जी अच्छे हैं। तोहफे वाले? नहीं नहीं तोहफे वाले नहीं, लेकिन हो जाएंगे, वैसे आदमी बड़ा सख्त है। साहब वो आए भी तो फाइल के बगैर, फाइल कहाँ है? जी वो ढूंढ रहा था। What? मिलने नहीं। What do you mean? कल तक तो थी। तो फिर आज कहाँ गई, पर लग गए उसे? जी ठीक है बच्चे, तुम जैसे क्लर्कों की वजह से गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट बदनाम है, फाइल कहाँ है? मिस्टर शर्मा ऐसा लगता है कि हमारी फाइल फाइलों में दब गई। नहीं ऐसी बात, फाइलें दबती नहीं, दबाई जाती है। जी मिस्टर शर्मा जी, अक्सर सुना जाता है कि जब तक क्लर्क को चाय पानी के पैसे नहीं मिल जाते फाइलें मिलती नहीं। क्लर्क पूंजीपतियों की तरह बेईमान नहीं होते। भारत। यस सर। हिंदी में बोलो। जी दैट्स बेटर। मिस्टर कपूर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करते, हमारा भारत इसका एक बेजोड़ नमूना है। नाउ गेट आउट। Get out! जी साहब। आप चिंता ना करें मिस्टर कपूर, आपकी फाइल में खुद ढूंढ निकालूंगा। नो नहीं नहीं नहीं, टेक इट इजी मिस्टर शर्मा, मैं दूसरी फाइल बनाकर भेज दूंगा। आई थिंक वी शुड गो, चलें। लेट्स गो। आपका खामखा वक्त जाया। नहीं नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। आइए मैं आपको बाहर छोड़ दूं। आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच खान साहब।
मिस्टर कपूर, आप खान साहब के लिए थोड़ा वक्त निकालिए ना, एक आधा गेट टुगेदर हो जाए। अरे भाई, हाँ, खाना पीना, कुछ बातें, खास बातें, कुछ आम बातें हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब खान साहब कहें, हम तो इनके खादिम हैं। लवली, जरा नवाजी का शुक्रिया। आपसे मुलाकात फिर कब होगी? व्हेनेवर यू से मैडम। मैं शर्मा जी से कह दूंगा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। बाय 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 बाय, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, बाय बाय बाय। सर, कितने पेटीकोट वाले लोग हैं ये? जी कितने एटिकेट वाले लोग हैं ना सर? सर, एक बात पूछूं? हाँ सर, आप दफ्तर से 3-4 बार दिन में बाहर आकर खड़े हो जाते, क्या बात है? मियां, मैं दफ्तर के अंदर सिगरेट नहीं पीता। ओ, लेकिन सर, आप इतने बड़े अफसर होकर देसी सिगरेट पीते हैं, आपको तो फॉरेन सिगरेट पीनी चाहिए। दनहिल, फाइफाइ, ड्रॉपमंस। मेरी तनख्वाह मुझे सिर्फ इंडियन सिगरेट ही अफोर्ड करा सकती है। अच्छा, और अच्छा है ये। और देखो जी, एक तो बुरी आदत और वो भी इम्पोर्टेड, बहुत बुरी चीज है। इसलिए तो मैं सिगार पीता हूँ सर। आप ओहदे में मुझसे नीचे हैं, कमाई में शायद आगे होंगे। नहीं नहीं, ये बात नहीं है सर, वो हमारा क्लर्क है ना भारत। हाँ? वो मुझे ये सिगार ला देता है, पता नहीं कहाँ से ले आता है, शायद रिश्वत खाता है सर। ओ, आपका सिगार बुझ गया है। वो रिश्वत अकेले ही खाता है? That is the tragedy, sir. वो रिश्वत अकेले खाता है। शर्मा जी, आप भारत से कहिए कि वो आपका ख्याल रखे और आप मेरा ख्याल रखें। Wonderful, sir. Wonderful, wonderful. इसके लिए करना क्या होगा मुझे सर? बस कुछ नहीं, वो जरा अपने स्टाफ को हिंदी में अंगूठे के नीचे दबा के रखें। अंगूठे के नीचे दबा के रखिए स्टाफ को। एक्सलेंट आइडिया सर, मेरा मतलब बहुत अच्छा आइडिया है। अंडर द थंब, अंडर द थंब। रिश्वत खोर शर्मा, देखता हूं तुम खान से कब तक बचते हो। बाबू, साहब ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन बड़े गुस्से में है। फाइल जो है ना, पूजा के पास है। पूजा के पास? हाँ। सुनो, साहब को ठीक करने का गुरु मंत्र बताता हूं तुम्हें। क्या? इधर आओ। इसमें एक पॉइंट है साधुराम। फाइल आई तो तब आई जब वो चले गए। अब मैं इसे चाटू या तुम्हारे मुंह में मारू? सर, हिंदी में बोलो। जी, दैट्स बेटर। मैं तुम्हें इस दफ्तर से निकलवा के ही रहूंगा। आज ही मंत्री जी को रिपोर्ट करता हूँ। मंत्री जी? हाँ, मंत्री जी को। साहब, मंत्री जी के कारण ही तुम्हें दफ्तर देर से आते आते बचा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता मंत्री जी को। क्या मामला है? साहब, मैं नहा धो के पूजा पे बैठने वाला था कि मंत्री जी की गाड़ी आ गई। क्या? मंत्री जी की गाड़ी? क्या उनका ड्राइवर तुम्हारा दोस्त है? आप नहीं सुनना चाहते तो मत सुनिए। नहीं नहीं, मंत्री जी की गाड़ी आ गई, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चला गया। अच्छा, किस लिए? ये बात जरा प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल। प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल? मंत्री जी ने तुम्हें बुलाया? ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी मेरे। पल्ले? हुँ? पल्ले पड़ जाएगी, हाथ कंगन को आरसी क्या। अभी मैं चौधरी साहब को फोन करता हूँ। चौधरी साहब, मंत्री साहब को फोन करने की जरूरत नहीं। नहीं, नहीं, नहीं भारत, नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अरे तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना, थक गए होंगे। ये आपकी कुर्सी? अरे तो क्या हुआ, मेरी कुर्सी, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी कुर्सी, मेरी कुर्सी, कुर्सी आखिर कुर्सी होती है। अरे बैठो भाई। मिनिस्टर, यू लुक जस्ट वंडरफुल ऑन दिस चेयर। हिंदी में? हिंदी। फिर क्या हुआ साहब? वो क्या है कि पिछली इलेक्शन में मंत्री जी का काम मैंने अपने इलाके में तो किया, उसके साथ साथ बहुत से काम किए। बहुत से काम किए? और जी, अब इलेक्शन फिर आ गए। हाँ, आ तो रहे। सुनो, उन्होंने इस दफ्तर के बारे में कुछ कहा? ऑफ कोर्स। क्या? ओह माय गॉड, वो बात क्या है? मंत्री जी कहने लगे, भारत बेटे, तुम बहुत दिनों बाद घर आए हो, नाश्ता करके जाओ। अच्छा? मैंने कहा साहब, अगर नाश्ता करूंगा तो दफ्तर देर से पहुंचूंगा, दफ्तर देर से पहुंचूंगा तो साहब नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो वक्त और काम के बड़े पाबंद हैं। तुमने ऐसा कहा? जी, ऐसा ठीक कहा। अच्छा किया, अच्छा किया। आप फिर आगे बोलो, आगे बोलो। फिर मंत्री जी बहुत खुश हो गए। अच्छा, खुश भी हो गए? बहुत खुश हो। कैसे, कैसे? वो खड़े हो गए। खड़े हो गए? जी हाँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और सुख की सांस ली। हाँ। बिल्कुल ऐसे, ऐसे ही। और फिर कहने लगे, हे बापू, काश हमारे देश के सारे अफसर ईमानदार हो जाएं। यानी मेरे बारे में और इस दफ्तर के बारे में ऐसा कहा? जी। भारत, भारत, तुम इतना सच बोलते हो, मुझे पता ही नहीं था। अभी तो आपको बहुत कुछ पता लगे साहब। अच्छा, अच्छा। मैं आपको उनके किस्से कहानियां फुर्सत में सुनाऊंगा। अरे इस दफ्तर में सभी को फुर्सत ही तो होती है, कौन धंधा काम करता है यहाँ? मैं जी, वो मैं एक बात तो बताना भूल गया। क्या? क्या? मंत्री जी ने हाँ,
आपका नाम पूछा था। अच्छा तो तुमने क्या किया? मैंने बता दिया। बता दिया जी, उन्होंने कागज पे नोट कर लिया। कागज पे नोट कर लिया जी हाँ। मैंने कुछ गलती तो नहीं की? नहीं नहीं भारत, तुम कभी गलती कर सकते हो। कागज पे नोट कर लिया यानी मैंने कोई गलती की भारत? नहीं वो बात क्या, वो हाँ कपूर एंड कंपनी का बैग। कोई चतुर को जादू को ईमानदार को बेईमान तुम्हारे बदन ठंडा हो रहा है, तुम्हें आराम की जरूरत है, जाकर कुर्सी पे आराम करो। भाई ऑफिस में आदमी आता क्यों है? आराम करने के लिए है। ए चपरासी पंखा ऑन करो, जाओ आराम करो। बैग साहब, वो बैग नहीं। यस हिंदी में बोलो। ओ सॉरी सर, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। सर ये भारत जो है ना, बहुत पहुंची हुई चीज है सर। वो मंत्री जी का राइट हैंड मैन है। किसी भी तरह हम भारत को अगर अपनी मुट्ठी में ले लेना तो मेरे सारे अरमान, ओ सॉरी सर, आपके और मेरे सारे अरमान पूरे हो सकते हैं सर। वेरी गुड शर्मा, सुनो ये मैंने सुना है कि भारत बहुत अच्छा लिखता है और गाता है। अच्छा, और 5 दिन के बाद 15 अगस्त है। यस सर। हाँ, अगर हम अपने डिपार्टमेंट के फंक्शन में उसे गाने का चांस दे दें तो वो अपने आप हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। अंडरस्टैंड? यस सर, अ ब्रिलियंट आइडिया सर, अ ब्रिलियंट आइडिया। शर्मा। यस सर। हिंदी में। ओह सॉरी सर। इट्स ओके। यस सर, ब्राइट आइडिया एंड आई हैव अ ब्राइट फ्यूचर। ब्राइट ब्राइट वेरी ब्राइट। 15 अगस्त को लोग खुशियां मनाएंगे और हम बैंक में डाका डालेंगे। किस बैंक में? यहां से बहुत नजदीक है, वहां का चौकीदार नशे का आती है, उसे नशे वाली सिगरेट पिला के टिच कर देंगे और फिर बैंक से माल निकालना अपना काम है। सुनो, क्या हम सचमुच अमीर बन जाएंगे? टिच। क्या हमारे घर वालों के दुख दूर हो जाएंगे? टिच। फिर हम झूम झूम के गाएंगे। झूम झूम के गाओगे। आज 15
दस्त है। सफेद और हरा है इन रंगों से देश भरा, केसरी सफेद और हरा है इन रंगों से देश भरा। ये रंग है कितने अनोखे, ये रंग है कितने अनोखे।
कौन हो तुम? रात का सौदागर। सौदा करोगी? उठो यहाँ से, ये मेरी मोटरसाइकिल है। लेकिन अब ये मेरी है। मैं कहती हूँ सीधी तरह से उठ जाओ, नहीं तो टिच कर दूंगी तुम्हें। मैडम, गुरबचन जब किसी सवारी पे बैठ जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल से उतरता है। हाँ, रात की बंची अगर 1500 कमाना है तो मेरे साथ आओ। क्यों? क्या हुआ? कोई बदमाश था इंस्पेक्टर साहब, मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा था। इतने रात गए और ऐसे कपड़ों में अकेले बाहर निकलना भी तो ठीक नहीं है। क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, इस मुई जवानी का दिन हो या रात, जिसने भी डाली पूरी नजर ही डाली। कौन है, कौन है, कौन है? चोर, 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 चोर। क्या हुआ साहब? वो बैंक में डाका डाल के भाग गया। आओ बहुजी बैठो, कहाँ जाना है? सरदार जी, अपनी औकात तो बस तक ही है। वाहेगुरु आपको भी मोटर कारों वाला बनाए जी। धन्यवाद। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दपला। तेरे की इसे खराब होना था तो आज ही होना था। अब बलराम का क्या होगा? कौन? अरे बलराम भैया, भैया मुझे बचालो भैया, मुझे बचालो भैया। खबरदार भागने की कोशिश की तो तुमने बैंक में डाका डाला है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हाँ हाँ, मैंने बैंक में डाका डाला है। मैं डाकू हूं, मुजरिम हूं। मेरा दिल नहीं मानता, तुम मेरी कसम खाओ। हाँ पिताजी, मुझे आपकी सौगंध, आपका खून अपराधी निकला। भारत, तुम हजार झूठी कसमें खा सकते हो, लेकिन जो कुछ तुम कह रहे हो अगर वो सच है तो खाओ भारत माँ की कसम कि तुम मुजरिम हो। भैया, मैं जानता हूं तुम भारत माँ की झूठी कसम नहीं खा सकते। जवाब दो, खामोश क्यों हो? खाओ कसम। नहीं भैया, नहीं, मुझ पापी के लिए झूठी कसम नहीं खाना भैया, झूठी कसम नहीं खाना। बलराम तुम? हाँ पिताजी, असली मुजरिम मैं हूँ। मैंने बैंक में डाका डाला, अब मैं अपने आप को अदालत में पेश करूंगा और भैया की बेगुनाही का सबूत होगा फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट। फिंगरप्रिंट्स? मेरा मतलब उंगलियों के निशान की रिपोर्ट की वजह से भारत तो आजाद हो गया लेकिन बलराम को सजा होगी। तुलसी जी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरी मदद? आप तो जानती हैं, आपकी भाभी रुक्मिणी का मैं इकलौता भाई हूँ। आपके घर में मुझे घुसने नहीं दिया जाता, इसलिए आपसे बाहर मिल रहा हूँ। अगर आप चाहें तो बलराम छूट सकता है। वो कैसे? वो अपना कॉलेज वाला दिलवीर है ना। हाँ। उसकी बड़ी पहुँच है, आप उसके सामने जाकर जरा हाथ जोड़िए और फिर देखिए, वो बलराम को जेल से ऐसे निकाल लेगा जैसे मक्खन से बाल। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? ये रहा उसका एड्रेस, आप जल्दी जाइए, मैं टेलीफोन भी कर देता हूँ। जी धन्यवाद। लो कर लो बात। हे भगवान, विजय कपूर ने जो काम बताया था वो तो मैंने कर दिया। तुम और यहाँ? जी, कुलजीत ने बताया कि आप मेरे बलराम भैया को बचा सकते हैं। आजकल हर काम के लिए पहुँच की जरूरत होती है और हमारी पहुँच नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक है। तो क्या आप मेरे बलराम भैया को आजाद करा देंगे? जरूर आजाद करवा देंगे, लेकिन पहले तुम्हें तो जरा कैद कर लें। जी,
हम एक ऐसी दुकान है जिस पर लिखा हुआ है आज नकद और कल उधार। जरा आओ तो। भारत, लानत है तुम पर, लानत है। Shame on you। तुम इंसान हो या हैवान? जुर्म खुद किया और फंसा दिया अपने भाई को। Get out, get out। I say get out। कौन मैं? नहीं नहीं आपसे नहीं। Get out। मैंने कहा ना out out। He's a criminal, you know। आइए आइए बैठिए। बैठिए ना। Mr. Sharma। जी। आज शाम को हमारे यहाँ एक पार्टी है। Oh wonderful। किस खुशी में? सिर्फ आप ही से कह रही हूँ। अच्छा। आज ही की तारीख थी जब मैंने विजय कपूर से शादी का वादा किया था। That's wonderful, that's wonderful। Thank you। हिंदी में बोलो। नहीं, आप हिंदी में क्यों बोलेंगी? English is a lovely language। Continue, please। Mr. Sharma। जी। एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, तौबा, मेरे बाप की तौबा। आपको किसी को जलील करना नहीं आता। वो तो क्या मतलब? अगर किसी को जलील करना है, सबके सामने भरी महफिल में जलील करना चाहिए। जी, मैं कुछ समझा नहीं। भारत ने हमें यहां आपके सामने जलील किया और आज आप उसे हमारे साथियों के सामने जलील करेंगे। और हां, भारत के साथ सारे स्टाफ को भी लाइएगा। थैंक यू। जिंदा साहब यहां आइए, इनसे मिलिए। ये है हमारे डबल लेमे क्लर्क। हमेशा वक्त पे दफ्तर आते हैं और छुट्टी के बाद भी दफ्तर में बैठे रहते हैं। ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। वैसे दिमाग के बड़े तेज हैं ये। अमीर बनने के लिए इन्होंने बैंक में डाका डाला। ये बात और है कि जब पकड़े गए तो अपना सारा इल्जाम अपने छोटे भाई बलराम के सर थोप दिया और उसे मुजरिम बना दिया। ही इज अ फर्स्ट क्लास क्रिमिनल। काश काश मैं इसका जवाब दे सकता। जिनके पास कोई जवाब नहीं होता वो यही कहते हैं। काश मैं इसका जवाब भी दे सकता। जो ये कहता है वो बेबस होता है। बेबस ना होता तो इस घर में कदम ना रखता। अरे दोस्त, ये घर तुम्हें पराया लगता है? ये घर तो तुम्हारे पुराने दोस्त, कॉलेज के दोस्त विजय का है। इस घर की हर चीज पर तुम्हारा अधिकार है सिवाय स्नेह के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब गोई पे तो खान कुर्बान हो जाता है। सुना तुमने भारत? जी। कुछ तुम भी सुनाओ। ये मैं क्या सुनाऊं? अरे मियां, 15 अगस्त वाले दिन के बाद से आज तक तुमसे कुछ सुना ही नहीं। साहब। अरे साहब, आपको गोली मारो यार, पार्टी है, रौनक है, हो जाए कुछ। क्या? बस यही, कोई जग बीती, कोई आप बीती, हसीन तस्वीरें हैं, हसीन चेहरे हैं, कह दो अपने दिल की बात। चिराग बन के जले हैं तुम्हारी महफिल में वो जिनके घर में कभी रोशनी नहीं होती। बाबू वो देखो सूरज। सूरज उगते मैंने न देखा, चांद चमकते मैंने न देखा। लाया था
हो सुना है माँ ने कभी हंसाया था, हाँ चोरियां देकर कभी सुलाया था। दफ्तर टाइम पे जाता हूँ, फिर फाइलों में अपनी जान गवाता हूँ। ओ रोज मैं दफ्तर टाइम पे जाता हूँ, फिर फाइलों में अपनी जान गवाता हूँ। उस पे सितम की मैं देखूं पर अंधा बनूं, कहना जो चाहूं तो गूंगा रहूं, क्योंकि मैं एक कलर्क हूं, मैं एक कलर्क। बसों की लंबी लाइन में लगकर थक टूट कर मैं घर में आता हूँ। ओ
की लंबी लाइन में लगकर थक टूट कर मैं घर में आता हूँ। एक कमीज जो तन ढकती है उसे साबुन बिना धुलाता हूँ, उसे साबुन बिना धुलाता हूँ। चपरासी हूँ, चपरासी हूँ। बड़ा विस्की लाओ, विस्की। शादुरा, शादुरा, पिला हुआ, पिला हुआ। सो गया, देखा, सो गया। मुफ्त की शराब मिली तो पीता गया। अब इसे घर भी छोड़ना पड़ेगा। सर, मैं भी चलूँ? अरे नहीं नहीं, अभी तो पार्टी चल रही है पूजा। तुम्हें तुम्हें जिंदल साहब छोड़ देंगे। ब्यूटी 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 स्वीटी, तुम्हें हम छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट सर। नया शिकार पुराना शिकारी। पूजा, तुमने तुमने गाड़ी में बैठना कब से शुरू कर दिया? माँ, हमारे साहब जबरदस्ती एक पार्टी में ले गए, वहां देर हो गई। ये जो कार वाले साहब है ना, ये हमारे शर्मा जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं, नहीं, नहीं। जिंदल अच्छा आदमी नहीं है, जिंदल अच्छा आदमी नहीं। माँ, तुम जिंदल को कब से जानती हो? कब से जानती हो? कब से जानती हो? तुम जिंदल को कब से जानती हो? बरसों से जानती हो। मैं समझ गई माँ, मैं समझ गई। क्या क्या समझ गई तू? क्या समझ गई? ये वही है ना जिसने तुम्हें गीता से पतिता बनाया। माँ, मैं धूल का फूल नहीं, वो अपनी बगिया का बबूल है। मैं नाजायज औलाद नहीं, जिंदल मेरा नाजायज बाप है। बेटी, जब बुरा वक्त आता है ना, तब सब रिश्ते टूट जाते हैं। जब जिंदल ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाया, तो पराए मुझे अपने घर वालों ने कहा, कुलता तुझे शर्म आती है कि नहीं? नहीं नहीं, मुझे शर्म नहीं आती। पहले कब आती थी? मैं पूछती हूँ, अपने भाई से मिलने जाना कोई अपराध है, पाप है? भाई, सुहाग रात वाली साड़ी पहनकर भाई से मिलने जाती है? मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, जो पति अपनी पत्नी को मन की शांति और तन का सुख न दे सके, वो शक नहीं करेगा तो और क्या करेगा? रुक्मणी, आपको शक है, मुझे चिंता। तुम्हें किसकी चिंता होने लगी? बलराम के वकील की फीस की। बहाना अच्छा है। आप जो भी समझे, जहां मैं जा रही हूँ वहां से वकील की फीस के लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आऊंगी। खानदान की मर्यादा को कलंक लगाने वाली, आज मैं देखूंगा कि तुम कहां जाती हो और किससे मिलती हो। एक और आ गई। अरे भैया, यहाँ पर ज्यादातर ऐसी ही औरतें आती हैं जिन्हें ऐसी वैसी बीमारियां हों, जब तक डॉक्टर उन्हें मेडिकली फिट होने का सर्टिफिकेट ना दे वो धंधा नहीं कर सकती। तब तक वो धंधा नहीं कर सकती, वो धंधा नहीं कर सकती, वो धंधा नहीं कर सकती।
क्या बात है भैया, आज कुछ ज्यादा ही परेशान हो। भाभी की चिंता मत करो, वो लो भाभी आ गई। भाभी, भैया आज ज्यादा परेशान है। मैं बच्ची तो नहीं जो घर का रास्ता भूल जाती। भारत जी, तुम जाओ। भैया, भैया गुस्सा थूक दो। जानना चाहते हो ये कहां से पैसे लेकर आती है? भैया, देवर जी। जी भाभी, मत रो, कोई नहीं, कह लेने दो जो ये कहना चाहते हैं। पकड़ो ये सैंडल। जी, मैं कहता हूं लो ये सैंडल और मारो मुझे। क्या हो गया आपको? हाँ, यही सजा है मेरी। मैंने तुझ पर शक करने का गुनाह किया है। भारत, तेरा भाई बहुत बदनसीब है। मैं समझता था ये बाजार में अपना जिस्म बेचने अपनी वासना मिटाने जाती है। मैंने इसको बदचलन कहा, इसे गालियां दी, लेकिन आज मैंने जब इसका पीछा किया तो पता चला कि ये अस्पताल गई थी, इसने अपना खून बेचा बलराम के वकील की फीस के लिए। इसके बदले में इसे सिर्फ 150 रुपए मिले, सिर्फ 150 रुपए। इससे पहले भी ये अपना खून बेचकर मेरे लिए शराब, तो तेरे लिए खाना लेके आती थी। रुक्मणी, मैंने शराब नहीं तेरा खून पिया है। तू जितनी महान थी मैं उतना ही नीच निकला, उतना ही घटिया इंसान। लाजते मुझ पे। बस कीजिए, भूल जाइए इन बातों को। मैंने वही किया जो मैं कर सकती थी। भाभी, तुम अपना खून बेचकर मुझे खाना खिलाती रही। तुम केवल ममता की मूर्त नहीं, साक्षात देवी हो। देवी, देवर जी, मैंने तो थोड़ा सा खून बेचा है, तुम तो अपने परिवार के लिए रोजाना ढेरों खून जलाते हो। भाभी, बस बहुत हो चुकी बातें। तुम दोनों भाई आराम से बैठो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। क्या सोच रहे हो? बहू दुखी, राम दुखी, सोनू के चक्कर में बलराम जेल में है, और भारत, जब से स्नेह ने उसका दिल तोड़ा है उसके चेहरे से मुस्कान रूठ गई है। सुनो, क्या आज पूजा आई थी? क्यों? कह रही थी कि मैं भारत के जीवन में मुस्कान भर दूंगी। कैसे? देखें अब क्या करती है पूजा। हे हे, मुंह क्यों फेर लिया? तुमने मुझे दफ्तर में कहा था कि चलो, बहुत जरूरी काम है। तो अरे ओ पूजा, अपने कपड़े तो देख। इसमें क्या बुराई है? ये जिम्नास्टिक की ड्रेस है, इसे पहनकर तुम क्या कर लोगी? देखो, लेके कॉलेज तक चैंपियन रही हूं मैं, बहुत से कप जीते हैं मैंने। मगर अब चलूं बाहर चाय का कप पीने? तुम नहीं जा सकते। क्यों? हमेशा तुम्हें हालात ने जकड़ के रखा, आज मैं पकड़ के रखूंगी। किस लिए? क्योंकि इसमें भी एक पॉइंट है। कौन सा? सुन वे माया,
होगा मेरे संग मेरा प्यार लेंगे नाल मेरा प्यार लेंगे नाल कन करके सुनवे कन करके सुनवे माया तुन 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 किसी माई तुम धरा मासा हूँ कन करके सुनवे कन करके सुनवे माया पूजा, मैं तुम्हारे जज्बात तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूँ हाँ। लेकिन इस भारत के इस ट्रक के जीवन में सिर्फ अंधकार है अंधकार। नहीं, ऐसा मत कहो दलबीर, भगवान के लिए ऐसा मत कहो, मैं माँ बनने वाली हूँ, वो भी तुम्हारे बच्चे की। जान ना पहचान और मैं तेरा मेहमान, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। याद करो बलराम भैया को बचाने के चक्कर में तुमने मेरी इज्जत लूट ली थी। ओ शट अप, जरा सोचो अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं क्या करूंगी। जाओ जमुना में जाकर डूब मरो। तूने मेरी बहन के साथ बलात्कार किया, तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। कान खोल कर सुन ले, ना तो मैं इससे शादी करूंगा और ना तुझे ही जिंदा छोड़ूंगा, क्योंकि मैं विजय कपूर का आदमी हूं, तुझे तो देख ही लूंगा। मैं भी देख लूंगा। भारत, दलबीर ने झूठ नहीं बोला, वो विजय कपूर का आदमी है। तो विजय कपूर बेईमानी के तालाब का सबसे बड़ा मगरमच्छ है। मेरी मानो तो उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लो। भारत, लोग तो कुल्हाड़ी से बड़े बड़े पेड़ काटकर गिरा देते हैं, लेकिन गरीबी की कुल्हाड़ी लोहे की कुल्हाड़ी से ज्यादा तेज होती है, वो एक दिन तुम्हें चीर कर गिरा देगी। भारत, अगर दलबीर के साथ तुम्हारी बहन की शादी नहीं हुई तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारी बहन जमुना में कूद कर अपनी जान दे देगी। नहीं, तुम्हारी माँ घुट घुट कर मर जाएगी। नहीं, तुम्हारा बाप बिस्तर में ही दम तोड़ देगा। नहीं, और तुम्हारी भाभी की जलन और भाई के जख्मों पर तुम मरहम नहीं लगा सकोगे। मिसेस कपूर, और तुम्हारा भाई बलराम जेल में चक्की पीसते पीसते मर जाएगा। नहीं भारत,
सिर्फ आदर्शों पर जिंदा रहना नामुमकिन है। तुम अपनी गरीबी की चक्रव्यूह को तोड़ो। ये लो चाबियां। कहां की हैं? ये मिस्टर खान की अलमारी की चाबियां हैं। वहां से तुम्हें ऑपरेशन ग्रीन स्टार की फाइल चुरानी। ऑपरेशन ग्रीन स्टार की फाइल? हाँ भारत, ऑपरेशन ग्रीन स्टार की फाइल, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर? अगर तुम वो फाइल चुरा लोगे तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। ये चाबी है? ये रही। की फाइल साथी हूं, साथ दूंगा। जाओ कबू साहब, ये रही ऑपरेशन ग्रीन स्टार की फाइल। ये फाइल तुमने चुराई? जी मैंने अपने हाथों से चुराई। जिंदा साहब जा देखिए। ओ ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, ये तो जरूर कॉपी है, असली कहां है? असल की नकल करवा के मैं असल खान साहब के कमरे में रखा हूँ। तुम तो हमारे अंदाजे से भी ज्यादा होशियार निकले। जिस रास्ते पे चल निकला हूँ ना कपूर साहब, उस पे होशियार ही रहना पड़ेगा। That's better. Come. ये नए कारनामा जो तुमने अंजाम दिया है, यानी के उस फाइल का लाना, उसके लिए तुम्हें 10 लाख रुपए की लॉटरी की टिकटें दी जाती हैं। लेकिन कपूर साहब, अगर इनके नंबर न लगे तो? भारत, आज मालूम हुआ कि तुम अमीरों के रस्म और रिवाज से बिल्कुल ना वाकिफ हो। ये वो टिकटें हैं जिनके नंबर लग चुके हैं। ओह आई सी। देखा, हो गए ना एक दिन में 10 लाख के मालिक, और वो भी व्हाइट मनी के। अरे लग गई लॉटरी, लग गई लॉटरी। अरे 10 लाख की लॉटरी लग गई रे, लग गई। मेरा भारत जिंदाबाद, मेरा भारत जिंदाबाद। हाई कमांड जी, हाई कमांड जी, हाई कमांड के दो पति, हाई कमांड के दो पति, सतपति और रक्तपति। और 10 लाख की लॉटरी, 10 लाख। कौशल्या, भारत ने हमारी गरीबी की गंदी नाली को गंगाजल बना दिया। भगवान उसे लंबी उम्र दे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। जी, हमारे दिन बदल गए हैं, हमारे हालात बदल गए। हमारा भारत तो हमेशा चमत्कार करता आया है, लेकिन इस बार आपके इसी सिपाही के बेटे मेरे भारत की किस्मत ने चमत्कार कर दिया। ये खेत जो हमने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए गिरवी डाल दिया था, वो भी मिल जाएगा। और मैं आपसे क्या कहूं, क्या कहूं आपसे? पिताजी, ये कहना क्यों भूल गए?
कि ये सिपाही जिसका चेहरा जंग में जल गया था, झुलस गया था, मेरे भाई ने प्लास्टिक सर्जरी कराकर इसे ठीक करा दिया है। थैंक यू नेताजी, थैंक यू नेताजी। देखिए ये टांग जो बिल्कुल नाकारा हो गई थी, मेरे भाई ने आर्टिफिशियल लिम लगवाकर मुझे दोबारा दौड़ना सिखा दिया है, दोबारा दौड़ना सिखा दिया है, दौड़ना सिखा दिया है। मुझे अपने भाई पर नाज है, नाज है। हे प्रभु, सबको सदा सुखी रखना। अरे वाह रे हाई कमान, सभी को आशीर्वाद देती रहती है, अच्छा करती है। अरे सज्जू, ओ सज्जू आया जी। ओकाला लो जी। कैसा है तू? बस होइयो जी, जड़ा सुख सज्जू दे चुबारे हो ना, बलख ना बुखारे। तेरा मालिक क्यों नहीं आया? जी वो इसका मालिक, इसका मालिक अमेरिका गया है। क्यों? दिल के ऑपरेशन के लिए। अरे सूदखोरों का भी दिल होता क्या? शायद आजकल उन्हीं के दिल होते हैं। अरे क्या क्या तूने बालों को? हाँ? कुछ नहीं पिताजी, जब जिंदगी उलझी उलझी थी तो बाल भी उलझे उलझे थे। आज सुबह एक हेयर ड्रेसर यानी कि नाई के पास गया, 500 रुपए दिए और बनवा लिए बाल। 500 रुपए एक नाई को? हाँ? अरे 500 रुपए तो मेरी तनख्वाह भी। खैर जाने दे बात, इतने दिनों के बाद खेत में आए हैं तो हो जाए मक्की की रोटी, सरसों का साग और ऊपर से छाछ है। पिताजी मैं अपने हिस्से का फिर खा लूंगा भी। चलूं, मुझे कपूर से मिलना है, कपूर से। जब देखो तब कपूर कपूर। अरे मेरा पूत उस कपूत से मिले। हाँ तो कपूर साहब। अरे दलबीर तुम्हारे पास आ जाएगा, उसके बाद तुम उसे अपनी बहन से शादी करने के लिए राजी करवा लेना। आई होप सो। हाँ गुड लक। थैंक यू सर। हेलो भारत। हेलो। वाओ, कपड़े तो कपड़े, बालों का स्टाइल भी बदल गया। मिसेस कपूर, जब दौलत हाथ लग जाए ना तो फिर बाल क्या, चेहरे भी बदल जाते हैं, इंसान भी बदल जाते हैं। मिसेस कपूर, भारत ठीक कहता है। थैंक यू कपूर साहब। अरे ये क्या, इतनी बड़ी हस्ती और ये मामूली सा लाइटर? थ्रो अवे है, एक बार इस्तेमाल किया और फेंक दिया, क्यों ठीक है ना? Yes. अच्छा कपूर साहब मैं चलूं। गुड लक। थैंक यू सर। मिस्टर कपूर। मिसेस कपूर, ये भारत पर एकदम से इतनी मेहरबानी क्यों? मिसेस कपूर, जब कभी मैं इस भारत के बारे में सोचता हूं तो अपने आप को एक नेकी बदी का पुतला सा महसूस करता हूं। कभी कभी प्यार आता है और कभी कभी जी करता है कि इसे गोलियों से छली छनी कर दूं। खैर इसे दलबीर चाहिए, दलबीर मिलेगा। जी मैं आ गया, मुझे कपूर साहब ने भेजा है। ये रिवॉल्वर खाली है और ये रही गोलियां। जी ये गोली पसंद है? जी ये पसंद है? जी और ये आप काम क्यों रहे हैं दलबीर साहब? जी जी कुछ नहीं। ये गोली भारत की है, शायद ये तुम्हारे लिए बनी थी। जी 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 मैं आपकी बहन के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। बारात कब लाओगे? जब आप कहें। मैं बता दूंगा, अब तुम जा सकते हो। अच्छा जी नमस्ते। ऑपरेटर पहले घर लगा दो और फिर पूजा को। ओ हेलो ब्यूटी 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 स्वीटी स्वीटी स्वीटी। मिस्टर जिंदल, ये जो कुछ भी कहे मुझे बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये मेरे पिता है? मेरा मतलब पिता समान है। यस आपका फोन। यस मिस्टर मैडम। हेलो जी। जी हाँ कपूर साहब, अगर इतना इतना ही जरूरी काम है तो मैं अभी आया। जी बिल्कुल अभी।
थैंक यू। वेलकम सर। पूजा तुम्हें जाना उस तरफ और मुझे उस तरफ। खैर नहीं हो, मैं तुम्हें टैक्सी तक छोड़ देता हूँ। ओ भारत डियर, ये स्वीटी 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 मेरे लिए क्या, मुझसे मत पूछो। यू डोंट वरी, मैं इसे छोड़ दूंगा। अच्छा जिंदल, तुम जल्दी से अपना ग्लास खत्म करके पूजा को उसके घर छोड़ देना। सेफ्टी। ओके। और पूजा, मैं कपूर साहब से मिलके तुम्हारे घर आऊंगा, घर माँ जी से मिलने। ओके बाय। कपूर साहब हैं? क्यों, हमारा हाल नहीं पूछोगे? कैसी हैं आप? आह भरने की इजाजत ना ही फरियाद की है, घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सयाद की है। कसम ले लो जो शिकवा हो तुम्हारी बेवफाई का, ये अपने पे रोता हूं, मुझे जी भर के रोने दो। भारत, आप कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपके इस बात ने रोने न दिया। इश्क में गैरत जज्बात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने न दिया? भारत, अब कुछ एहसास सा होने लगा है। क्या? यही कि वहीं लौटाए चले थे जहां से, नए दुख मिलेंगे भला आप कहां से। अजी, इस तकल्लुफ से बेहतर यही है कि पुराने दुखों का नया नाम रख दो। खैर छोड़ो, ये कपूर साहब कहां है? किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। अजीब बात है, मैं कुतुब होटल में था, फोन आया कि फौरन पहुंचो, मैं आ गया, पूजा वहां थी, मैंने जिंदल से कहा कि इसे घर तक छोड़ देना। क्या, पूजा को अकेले, वो भी जिंदल के साथ? हाँ। ओह माय गॉड। क्यों, क्या हुआ? भारत, तुम भोले के भोले रह गए। जिंदल एक शिकारी है और पूजा कहीं उसकी वासना का शिकार न बन जाए। बाप तो बेटी के हाथ पीले करके उसे डोली में बिठा कर विदा करता है। डोली? स्वीटी स्वीटी, डोली नहीं, तुम्हारे लिए तो हमारी झोली है। आप मेरे घर चलकर देखिए, आप मेरी माँ को जरूर पहचान लेंगे, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि मैं आपकी बेटी हूँ। जिंदल इतना पागल नहीं कि हरे भरे खेत को छोड़कर बंजर जमीन देखने जाए। जिंदल इतिहास बनाता है लड़की। इतिहास बनाना तो नारी का पुराना जेवर है, इतिहास पूजा बनाएगी। हाँ जी, आखिर ये पूजा कहाँ जा सकती है? जिंदल ने तो कहा था कि वो उसे घर तक छोड़ देगा। जिंदल? जी हाँ, जिंदल। हाँ जिंदल, जिंदल मेरा बाप, जिसे मैंने इस त्रिशूल से मार दिया। क्या कह रही है तू? हाँ माँ। सुनिए, क्या आपका नाम गीता और आपके बेटे का नाम पूजा है? जी। आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? हॉस्पिटल। इंस्पेक्टर जी, मेरा बयान लीजिए। आदत से मजबूर मैंने पूजा को भी अपनी वासना का शिकार बनाना चाहा। इस जलील बाप ने अपने बेटी के पवित्र जिस्म पर हाथ
हाथ डाली दिया धिक्कारे हाँ तो भाई मैं माँ दुर्गा का त्रिशूल मुझे लग गया मेरी बेटी मेरी पूजा निर्दोष है नहीं इंस्पेक्टर साहब स्वीटी नहीं स्वीटी नहीं बेटी 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 बाप की बात नहीं डालती तुझे तेरी माँ गीता की सौगंध भारत तुम गरीब से अमीर कैसे बने मैं जानता हूं तुम्हें वापस कैसे लौटना है तुम जानते हो मेरी तो बस इतनी प्रार्थना है कि मेरी बेटी पूजा का हाथ थाम लेना इंस्पेक्टर मैंने वकील के सामने इस वसीयत पर दस्तखत कर दिए हैं आज से मेरी सारी जायदाद की मालकिन मेरी बेटी पूजा होगी क्या बात है इंस्पेक्टर साहब आपके घर की तलाशी लेनी है क्यों आपका भाई बलराम जेल से भाग गया है बलराम जेल से भाग गया जी लेकिन यहाँ तो नहीं आया मगर हमें तो अपनी कार्रवाई करनी होगी इंस्पेक्टर साहब कहिए आप अपनी कार्रवाई जरूर कीजिए लेकिन एक बात सुन लीजिए मैं इस देश का सच्चा नागरिक होने के साथ साथ नेताजी की आजाद हिंद फौज का एक सिपाही भी हूँ अगर कोई देश से गद्दारी करेगा तो आपकी गोली से बच जाए लेकिन मेरी गोली से नहीं बच सकता चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो पिताजी आप चलिए कन्यादान का समय हो रहा है इंस्पेक्टर साहब को मैं घर ले जाता हूँ ले लें तलाशी और ढूंढ ले कहाँ है बलराम सुस्वागतम बारात आई बहन की शादी है और मैं एक गुनहगार मुजरिम भाई का फर्ज अदा नहीं कर सकता मैं अंदर नहीं जा सकता मैं अंदर नहीं जा सकता मैं अंदर नहीं जा सकता भगवान मेरी जिंदगी तो अंधेरी रात है लेकिन मेरे घर वालों की जिंदगी में खुशियों का सूरज हमेशा चमकता रहे अरे वाह पूजा तुम मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ क्या मरते वक्त मेरे पिताजी ने कहा था कि जिंदगी में तुम आगे कैसे बढ़े ये मैं जानता हूँ लेकिन वापस कैसे लौटना है ये तुम जानते हो मतलब पाप और बेईमानी के रास्ते से ईमानदारी के रास्ते पर लौटा हो पूजा हाँ तुम पापी हो तुमने पाप किया है आहिस्ता बोलो पिताजी अंदर आए अगर उन्होंने सुन लिया तो उन पे क्या बीतेगी ये वो जाने लेकिन इतना जरूर सुन लो कि अगर पूजा पाप की दुनिया से गई नहीं तो चली जाएगी तुमसे दूर चली जाएगी पूजा हाँ hey, hello. Bye. भारत कबू साहब आप जरूरी काम था इसलिए चला क्या काम खान को खरीद लो वो खान बड़ा सख्त और ईमानदार इंसान है कबूर साहब जिस तरह ऑपरेशन ग्रीन स्टार की फाइल तुमने उसके कमरे से चुराई थी हाँ। उसी तरह उसके सीने में हाथ डालकर उसके ईमानदार दिल को निकाल लो कपूर साहब देशभक्ति से भरा हुआ खान का दिल उसको खरीदना नामुमकिन है नहीं भारत नहीं तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं तुम्हारे लिए बहुत आसान है क्योंकि खान को तुम्हारी ईमानदारी पर नाज है मुझे करना क्या होगा हाँ हमारे साथियों की रिपोर्ट है कि नई सबमरीन्स की फाइल भी खानी के पास है अगर तुम उसे चुरा लो तो
ऑपरेशन ग्रीन स्टार की फाइल चुराने के लिए तुम्हें सिर्फ 10 लाख रुपयों की लॉटरी की टिकटें दी गई थी। इस बार एक एक को एक एक करोड़ मिलेगा। क्या बात है कपूर साहब, आप खामोश क्यों हो गए? भारत बेहतर होगा अगर बाकी बातें रास्ते में हो जाएं। चलिए, मेरा भारत देशद्रोही। मैं बेईमानी के पैसे की दवाई नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। मेरा भारत देशद्रोही, मेरा भारत देशद्रोही है। क्या कहा? पिताजी ने हमारी बातें सुन ली? प्लीज प्लीज मुझे घर ले चलिए। ओके। सफर है ये, बड़े कठिन है रास्ते, मगर ये मुश्किलें हैं क्या सिपाहियों के वास्ते। बड़ा कठिन सफर है ये, बड़े कठिन है रास्ते, मगर ये मुश्किलें हैं क्या सिपाहियों के वास्ते। तू बिजलियों से खेल, आंधियों पे मुस्कुराए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। नेताजी, आप तुमने सिपाही का आखिरी जहन स्वीकार कीजिए। पिताजी, पिताजी मैं देशद्रोही हूँ, मैं गद्दार हूँ, लेकिन अच्छा बुरा वक्त सब पर आता है, जो होना था सो हो गया, जिसे जाना था वो चला गया। मेरे कारण ना मैं आपसे चाबी लेता, ना खान साहब के कमरे से ऑपरेशन ग्रीन स्टार की फाइल चुराता, ना दौलत कमाता, और ना पिताजी इस दुख से मरते कि उनका बेटा, उनका भारत देशद्रोही निकला, गद्दार निकला। बोल। मैं जानता हूँ कि माँ बीमार है, लेकिन भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। जाने दूँ तुझे? जाने दूँ? अरे आजाद हिंद फौज के सिपाही का पूत कपूत निकला भैया, धरती माँ पर मर मिटने वालों का बेटा, धरती माँ को बेचने लगा। भूल गया वो दिन जब तू ही कहा करता था कि लाल किले से आई आवाज, सैकल ढिल्लो शाहनवाज। भैया मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे एक रात की मोहलत दे दो। एक पल की मोहलत नहीं। आप ही कहा करते थे भगवान के बाद अगर कोई है तो देवर जी हैं। देवर जी आप चले जाइए, अपना रुक पर नहीं। तुम? हाँ मैं। जेल से भागा हुआ मुजरिम, टेररिस्ट? हाँ उग्रवादी, डाकू, टेररिस्ट, जो कहना है कह लीजिए। हट जा। खान साहब, आप खामोश हैं, आपने मुझे बताया नहीं कि आपने मेरा क्या फैसला किया है। देखो भारत जी, तुम्हारे गुनाहों की तलाफी, तुम्हारे गुनाहों का प्राश्चित जी सिर्फ यही है कि तुम मुजरिम बने रहो। कपूर आजकल एक बहुत घिनौनी चाल भयानक साजिश में है। हाँ, ऑपरेशन रेड रोज,
ऑपरेशन रेड रोज। हाँ भारत, ये ऑपरेशन रेड रोज क्या है, कब है, बस इसी का पता लगाना है और इसका पता तुम्हें लगाना जी? है। ये सरकार का हुक्म है कि तुम दिखावे के तौर पर कपूर के आदमी बन के रहोगे। भारत जी, मैं पूछता हूँ, क्या तुम अपने देश के लिए या अपनी सरकार के लिए काम नहीं करोगे? करूंगा, जरूर करूंगा। शाबाश, यही यही मैं सुनना चाहता था। मगर भारत जी, एक शर्त है। क्या? मेरे और तुम्हारे बीच ये जो बात हुई है ना जी, इसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तुम्हारे सगे भाई को भी नहीं। हाँ साहब, हाँ साहब, मैं एक बार कमजोर पड़ा था और इस देश को, अपने देश को धोखा दिया था, मगर ये नाम का भारत मरेगा तो भारत माँ के लिए मरेगा। खान साहब। हाँ बाबू, इसमें एक पॉइंट है। अरे साधुराम, तुम और यहाँ? हाँ, हाँ भारत, साधुराम हमारी इंटेलिजेंस का आदमी जी। हाँ बाबू, मेरे इंटेलिजेंस ऑफिसर होने में भी एक पॉइंट है। खान साहब, भारत, कपूर तुम्हारे जरिए बेईमान शर्मा तक पहुंचना चाहता था और शर्मा के जरिए मुझ तक, फिर वो मुझे खरीदना चाहता था, मुझे खरीदना चाहता था। भारत, हम शर्मा को, कपूर को कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, मगर नहीं, हमें तो जड़ तक पहुंचना है, पूरे गैंग को खत्म करना। और सुनो बाबू, जब मिसेस कपूर तुम्हें दफ्तर में मिलने के लिए आई तो मैंने मिसेस कपूर का पीछा किया, और जब उसने तुम्हें खान साहब के कमरे से फाइल चुराने के लिए चाबियां दी तो मैं वहां मौजूद था, मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, और फिर हमने उस फाइल को बदल दिया ताकि तुम आसानी से चोरी कर सको और कपूर का विश्वास जीत सको, वरना हाँ, डिफेंस मिनिस्ट्री में तो कोई परछाई भी पर नहीं मार सकती जी। खैर, बाकी बातें बाद में होंगी, अब तुम जाओ और जाके सुनो क्या बकता है कपूर। फ्रेंड्स, छोटे छोटे काम करके इंसान सिर्फ दुनिया की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में भी छोटा हो जाता है। इसलिए तुम सबके लिए और अपने लिए मैंने एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है, और वो है ऑपरेशन रेड रोज। स्कूल में एनसीसी की ट्रेनिंग का यही फायदा है कपूर साहब। तुमने गोली क्यों चलाई? इसलिए कि मुझे गुलाब के फूलों से नफरत है। क्यों? क्योंकि गुलाब के फूल वाले हमारे रास्ते के कांटे हैं, कांटे। That's it, my boy, and that is Operation Red Rose. Operation Red Rose? ये क्या बला है? गुलाब की तरह महक तो इंसान का खून। कौन? वो इंसान जिसके मरने से सारे देश में अंधकार सा छा जाएगा। लेकिन वो है कौन? गुलाब का फूल। नाम? नहीं समझे? आपका मतलब देश का? बस। पर पॉइंट यह कपूर साहब के ये काम करेगा कौन? वो जो शिकारी शेर जैसा हो, जिसका दिल पत्थर जैसा हो और निशाना मेरे जैसा हो। आइडिया बुरा नहीं है, तुम गुलाब के फूल को उड़ा सकते हो। लेकिन मिस्टर कपूर, भारत का दिल पत्थर का नहीं है। मिसेस कपूर, अब तो इस सीने में दिल ही नहीं। मिसेस कपूर, मेहमान आने वाले, तुम जल्दी से कपड़े बदल लो। मगर मिसेस कपूर। यस मिस्टर कपूर। साहब, एक बात पूछूं? पूछो। इस काम का आपको मिलेगा क्या? करोड़ों की बात है। और अगर काम ना हुआ तो? तो वो लोग तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और ना ही मेरे साथियों को। कौन है वो लोग? गौरे। किस मुल्क? देखो, उतना ही जानने की कोशिश करो जितना तुम्हें बताया जाए। कपूर साहब, मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आपकी गंगा की गंगोत्री कहाँ है और कौन है। बस यहाँ ऑपरेशन रेड रोज पूरा हुआ, हम लोग दूसरे मुल्क में पहुंचे, फिर तुम सब जान जाओगे। इसमें भी एक पॉइंट है। और उस पॉइंट से ये पॉइंट निकलता साधुराम कि अब दोनों घर चलें क्योंकि कपूर साहब के मेहमान आने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग रुक सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कपूर साहब, बात ये है, जब से पिताजी गए हैं घर वाले उदास रहते हैं, कुछ समय उनके साथ भी बिताना चाहिए। ऑफ कोर्स। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो लेकिन रुको जी, कहने की जरूरत ना थी लेकिन फिर भी कह देता हूं। क्या? मेरे राज की बात किसी के मुंह से बाद में निकलती है, और मेरे रिवॉल्वर से गोली पहले चलती है। मैं आपसे और आपके असूलों से अच्छी तरह वाकिफ हूं कपूर साहब। गुड नाइट। चलो साधुराम। ओके। सोबराज। यस सर। भारत हमें धोखा ना दे सके इसलिए एहतियात की जरूरत है जी।
वहां से गया है, तुम इधर से जाओ। भारत सुनो। सुनाइए। मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बातें करनी है। साधुराम जी, आप जरा चलिए। इस अकेले में भी कोई पॉइंट है भाई। कहिए। भारत, तुम ये भयानक काम नहीं करोगे। ओहो, ये आप कह रही हैं? भारत, तुम्हारा दिल टूटा इसके जिम्मेदार मैं हूं। तुम ईमानदारी की कुटिया से निकलकर बेईमानी के महल में पहुंचे, इसके जिम्मेदार मैं हूं। तुम्हारे आदर्शों का आसमान जमीन पर आ गिरा, इसके जिम्मेदार भी मैं हूं। लेकिन भारत, तुम टूटे भी तो ऐसे टूटे कि गंगा जल कटर का पानी बन गया। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं। भारत, जरा सोचो, तुम्हें ये देश कितना प्यारा था, कितनी प्यारी थी तुम्हें ये धरती। प्यारे तो कभी हम भी थे आपको। ओ भारत। लेकिन सुने, इतना जरूर कहूंगा कि मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, ये खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। भारत है? तुम देशद्रोही नहीं बनोगे। माइंड योर ओन बिजनेस मिसेस कपूर। ये ऑपरेशन रेड रोज क्या है, अभी खान साहब को बताते हैं। है? चलो जाकर कपूर साहब को खबर देते हैं। ओह माय गॉड, क्या कहा? भारत और साधुराम खान के घर गए हैं? जी। डेंजर, डेंजर। डेंजर? भारत से कैसा डेंजर? नहीं, तुम नहीं समझोगे मिसेस कपूर। सौमराज। यस सर। तुम लोग जाओ और भारत को किसी भी हालत में मेरे सामने लाओ। ओहो बाबू, इधर फाटक बंद और उधर खान साहब मंत्री जी से मिलने मंत्री जी के यहाँ पहुंच चुके होंगे। अगर हम 20 मिनट के अंदर अंदर वहां नहीं पहुंचे तो मंत्री जी विदेश यात्रा के लिए निकल जाएंगे। साधुराम, तो फिर कपूर का काम रह जाएगा। कौन सा काम? चलाओ। तो कपूर साहब ने कहा ऑपरेशन रेड रोज। लेकिन कपूर साहब का कहना है कि तुम्हें हर हालत में उनके पास ले जाया जाए। अगर हम ना जाए तो? हमें ले जाना आता है। अरे मर गए ले जाने वाले। साधुराम, ये खून क्या? सीना तान के गए थे लेकिन बुजदलों ने पीठ पर गोली चला दी। साधुराम, अरे लाने था इन पर। साधुराम, धिक्कार है। साधुराम, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। क्यों बाबू, है ना इसमें भी एक साधुराम। मिसेस कपूर, आप अंदर जाइए। मैं सिखा के घर जा रहा हूं और गए खान के घर। बोलो क्यों? उसे उसे अपने बस में करने। ये भी झूठ है। यकीन कैसे दिलाऊं? यकीन
विजय कपूर कोई उल्लू का पट्टा नहीं जो किसी मक्कार पर यकीन कर ले। कपूर साहब, बोलो क्या क्या बताओ उसे। कहा ना कुछ नहीं। फिर झूठ। अकलदार, जोश में होश नहीं खोते। छोड़ दो मुझे, मैं भारत को जान से मार डालूंगा। भारत को मारते नहीं, भारत पे तो लोग मरते हैं। तुम इजाजत दो तो मैं भारत से सब कुछ मालूम कर सकती हूँ। कैसे? उसका दिल जीत कर। बहुत ढीठ है ये आस्तीन का सांप। अगर ये आस्तीन का सांप है तो मैं भी कुछ कम नहीं। ऐसा सर कुछ लूंगी कि बस देखते रह जाओगे। छोड़ दो, भारत हमारा साथी था, साथी है और साथी रहेगा। भारत, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, उसके लिए माफी मैं मांगती हूं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। क्या? नीलाम घर में हमने नीलाम होके देखा, नीलाम घर में हमने नीलाम होके देखा। यारो अब तो हम अपने घर जाएंगे जाएंगे, यारो अब तो हम अपने घर जाएंगे। देखती रह जाएगी दुनिया, अपने भारत में मर जाएंगे।
स्वराज मेन स्विच ऑन करो। कहा है भारत? सर्वभाग्य देखा चालाकी में वो हम सबका पाप निकला। जाओ जाओ उसके पीछे जाओ, देखते साथ ही गोली से उड़ा देना। पूजा जल्दी करो भारत, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ जल्दी। स्नेह का खत, प्रधानमंत्री का खून, ऑपरेशन रेड रोज कल है। पूजा जल्दी चलो, हमें खान साहब के घर जाना है। बाहर निकलो, कानून को हाथ में लेना जुर्म है, लेकिन तुम जैसे मुजरिम को छोड़ देना उससे भी बड़ा जुर्म है। भैया भारत पे गोली चलाने वाले पर मैं भी गोली चला सकती हूँ। पूजा तुम मेरी बेटी समान हो, लेकिन पूजा तुम जिसकी पूजा करती हो वो पूजा के काबिल नहीं, गोली के काबिल है। भारत पे गोली चलाने वाले पर मैं भी गोली चला सकती हूँ। गोली चलाओगी तुम इन पर गोली चलाओगी, हिम्मत है तो चलाओ गोली। पूजा फेंक दो रिवॉल्वर। देखिए देवर जी के कहने पे पूजा ने अपना रिवॉल्वर फेंक दिया है, अब आप भी अपनी जिद छोड़ दीजिए। हट जाओ भैया, ना तो मैं गोली चलाऊंगा ना आपको चलाने दूंगा। तुम दोनों अपराधी हो, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे जीते जी आप इन पे गोली नहीं चला सकते। रुक्मिणी, मुजरिम को बचाने वाला उससे बड़ा मुजरिम होता है। मत भूलो कि मैं इस देश का सिपाही हूं, तुम्हें मारते हुए भी न मेरे हाथ कांपेंगे न मेरा दिल रोएगा। भाईजान ये आप क्या कर रहे हैं? भाईजान खान साहब मेरा भाई गद्दार निकला, देशद्रोही निकला। गलत, बिल्कुल गलत। आपका भाई देशद्रोही नहीं है, गद्दार नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके घर की गरीबी, आपकी बहन तुलसी की मजबूरी ने इसे जकड़ा और फिर कपूर ने इसे खरीद लिया। थोड़ी देर के लिए बेचारा बिक गया, और जब इस बात का पता आपके पिताजी को चला तो उनकी मौत हो गई, और जब उनकी चिता जली तो इसके अंदर की गंगा जमुना फूट निकली। भाईजान ये मेरे पास आया, इसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए, इसने चिल्ला चिल्ला के कहा कि मेरा सीना गोलियों से छलनी कर दीजिए, मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। मुझे इसके हर एक लफ्ज में सच्चाई सुनाई दी भाईजान। मैंने हाईकमान से मशवरा किया, उन्होंने फैसला सुनाया कि आज तक ये देशद्रोही कपूर के लिए काम करता था, मगर अब अपना सर थैली पर रखकर हमारे लिए काम करेगा, इस देश के लिए काम करेगा। इसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? इसलिए कि मैंने इसको कसम दी थी कि इस बात को किसी से कहेगा नहीं, अपने सगे भाई से भी नहीं। खान साहब। जी भाईजान। भारत। हाँ भैया। तूने हमेशा मेरी हर बात मानी है ना? हाँ भैया। ये ले बंदूक, मेरा सीना गोलियों से छलनी कर दे। मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। नहीं नहीं भैया। Thank you.
कोई भी अपनी जगह से हिला तो मैं इस भारत को छल्ली छल्ली कर दूंगा। अब बोलो। सोमराज यस सर, चलो। भैया सब भाग गए। अरे सोनो। भैया प्रणाम। तुम लड़की हो या आफत का परकाला? खान साहब जी, ये दोनों मुजरिम भी हैं और इन्होंने हमारी जान भी बचाई है। आप बताइए क्या करना चाहिए इनका। मैं बताऊं भैया, आप सब लोग इस जीप में बैठ के चलिए, मैं और बलराम मोटरसाइकिल पे आते हैं। खाजा की माँ जी से आशीर्वाद भी लेना है और फिर लगवा दीजिए हमें फांसी। हम समझेंगे होगी हमारी शादी। हाँ साहब, स्नेह ने खत में लिखा है कि ऑपरेशन रेड रोज कल है, प्रधानमंत्री की जान खतरे में है, पार्लियामेंट हाउस खतरे में है, ऑपरेशन रेड रोज को हम कामयाब नहीं होने देंगे। साहब गाड़ी रोकिए। बलराम रही प्रधानमंत्री की गाड़ी। भारत भी साथ है। Who are you? Oh. Hi. खान साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैसेज भी मिल गया था, वैसे हमारे इंटेलिजेंस को खबर भी थी। बड़े साहब दूसरी तरफ से निकल गए, ये गाड़ियों का कारवां नकली है दुश्मनों को धोखा देने के लिए। ये रहा कपूर, यही असली दुश्मन। Let us follow them!
के कपूर, कौन कौन से मुल्क के लिए जासूसी कर रहा है? ये ऑपरेशन रेड रोज किसकी साजिश है और वो मैसी वाले दोस्त कौन है? बता, आर यू ट्रेटर? हिंदी में बोलो। साहब, ये रहा विजय कपूर का साथी शर्मा, ये सब ठिकानों पे ले जाएगा और पता लग जाएगा कि कौन कौन सा मुल्क हमारे देश का दुश्मन है। आप ले जाइए इसे और मैं चला कपूर के पीछे। गुड। मैं कहता हूं अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कौन सा कानून? इस देश का कानून। भाड़ में गया देश। देश को गाली देते हो, प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहते हो, पार्लियामेंट हाउस उड़ाना चाहते हो। यस सर, सोबरा स्पीकिंग सर। भारत मेरा पीछा कर रहा है, कमांडोज मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं तुगलक फोर्स से होते हुए क्वेरी जा रहा हूं, तुम अपने रंग बिरंगी बमों से उन सबको उड़ा दो, आसमान को लाल कर दो ताकि किसी को शक न पड़े। फिर हम एम्बेसी वाले दोस्त कहने लेंगे और उसके बाद हमें कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं। ओके सर। ओवर। क्या किया तुमने? जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। सुने? मिसेस कपूर। यस मिस्टर कपूर। तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, मैंने आपको धोखा दिया, सिर्फ आपको ही नहीं, मैंने भारत को भी धोखा दिया। और भारत को धोखा देना सबसे बड़ा अपराध है। तुम कहना क्या चाहती हो? भारत पर गोली मत चलाना। भारत ने कभी किसी पर गोली नहीं चलाई, और जिसने भारत पर गोली चलाई उसका अंत कभी अच्छा नहीं हुआ। मिसेस कपूर, बस थोड़ी देर और, एक आवाज ही सुनाई दे रही है। क्या?
कमीने कुत्ते, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भारत, कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। कपूर, तुम मुजरिम हो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं खान साहब, नहीं। भारत अच्छी तरह से जानता है कि बेईमानी मेरा ईमान है और यही मेरा अभिमान है। और आप भी जान जाइए, आप सब लोग जानते हैं कि मैंने हार कभी नहीं मानी और ना ही आज मानूंगा। अगर मरूंगा तो तुम लोगों की गोली से नहीं, अपने बारूद से। ये देखो, अपने सब साथियों से कह दो कि हथियार फेंक दें, वरना मेरे साथ मारे जाएंगे। फेंक दो हथियार, फेंक दो। खान साहब, वो देखो मेरी बीवी, मैं उसे आखिरी बार मिलना चाहता हूं, आखिरी बार। कोई आगे ना पड़े। मिसेस कपूर, मैं तुम पे मरता रहा, तुम भारत पे मर गई। जब मिसेस कपूर नहीं हारी तो मिस्टर कपूर कैसे हार सकता है? भारत, भाईजान, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसकी बर्दाश्त को अच्छी तरह जानता हूं। हमारे भारत ने जो कुछ अपने वतन के लिए किया है, उसके लिए भारत सरकार इसे जरूर माफ कर देगी। और आपकी वो जमीन, वो खेत जो सारे फसाद की जड़ था, आप लोगों को इनाम में देगी। वो खेत फिर से आपका अपना होगा, आप उसमें हल चलाएंगे, चारों तरफ हरियाली होगी। और एक दिन 15 अगस्त आएगा भाईजान, और आप लोग फिर उसी तरह झूम झूम के गाएंगे। झूम झूम